अगर आप भी लौंग और शहद का सेवन करते हैं तो लौंग और शहद दोनों ही आपके स्वास्थ्य को लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यह प्राचीन समय से ही मानव समुदाय के लिए महत्वपूर्ण औषधीय गुणों का खजाना है। लौंग को अंग्रेजी में क्लोव कहते हैं और लौंग की तासीर गर्म होती है, और शहद को अंग्रेजी में हनी कहते हैं और शहद की तासीर भी गर्म ही होती है। इन दोनों के सेवन से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं बल्कि इनका नियमित उपयोग करने से विभिन्न रोगों से बचाव भी हो सकता है, जैसे कि लौंग में अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो विभिन्न बीमारियों के खिलाफ रक्षा करते हैं। लौंग में मौजूद यूजोलिजी जो कीटाणुओं के विरुद्ध लड़ाई करता है, तंत्रिका तंत्रों को बंद करने में मदद करता है। लौंग में फ्लेवोनॉइड्स जैसे कि क्विसेटिन और काफिक एसिड जो शरीर को कैंसर के खिलाफ रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। शहद, हनी, शहद में विभिन्न एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। शहद का सेवन गले के इन्फेक्शन, खांसी और ठंड को दूर करने में मदद कर सकता है। लौंग और शहद को मिलाकर इस्तेमाल करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। नंबर एक, लौंग और शहद का देसी काढ़ा। एक गिलास गर्म पानी में 3-4 लौंग और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से ठंड और खांसी में लाभ होता है। शहद का गुणगान। एक चम्मच शहद खाने से अपच, गैस्ट्राइटिस और पेट की समस्याओं में आराम मिल सकता है। लौंग का तेल। लौंग का तेल दांतों के दर्द में लाभकारी होता है। इसे मसाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह लौंग और शहद का सेवन स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है और विभिन्न रोगों से बचाव करने में सहायक हो सकता है। तो हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।